कि आप देख सक रहे हैं कि इस वीडियो में एमयू के एक्स प्रेसिडेंट जो आए हैं यहाँ पर अपनी सेलिब्रिटी निभा दे रहे हैं, जैसे कि पिछले 5 दिनों से भी एडमिशन हॉस्पिटलाइज मीरान है तो फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। आप देख सकते हैं इस वीडियो में बहरहाल ये मूवमेंट एक जबरदस्त बनता जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से मूवमेंट को एक ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है पूरे हिंदुस्तान से। पूरे हिंदुस्तान की जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ से स्टूडेंट यहाँ पर आकर अपनी सेलिब्रिटी निभा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एमयू के एक्स प्रेसिडेंट यहाँ पर बोल रहे हैं, तो ये एक पीसफुल एहतजाज पिछले 9 दिनों से चल रहा है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में हिंदुस्तान की हिंदुस्तान पार्टी का एक इतिहास रहा है। आसाम के अंदर में जो मेन स्ट्रीम पार्टी सब स्टूडेंट लीड करते हैं, अहमदाबाद गुजरात से भी स्टूडेंट पार्टी लीड होता है, बिहार में जो छात्र आंदोलन है वो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ा। और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के जितने बड़े सेंट्रल सिटीज हैं सब जगह जो वो लीड पोजिशन पे रहा है। आज हम जिन लीडर्स को देखते हैं उनको एक बहुत बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं। साथियों ये एक रियलिटी है कि हिंदुस्तान का जो माइनॉरिटीज कम्युनिटी है वो तालीमी तौर पे पिछड़ा है, सामाजिक तौर पे पिछड़ा है और सियासी तौर पे पिछड़ा है। हिंदुस्तान की कैंपसेज जो माइनॉरिटी कैंपसेज है, हमारा ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ से पढ़ने वाले जो तलबा है वो सिर्फ तालीम को ही हासिल नहीं करें बल्कि तालीम हासिल करने के साथ साथ सामाजिक तब्दीली में भी उनकी उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन की जरूरत है, साथ साथ सियासी कंट्रीब्यूशन भी बहुत जरूरी है। साथियों जामिया स्टूडेंट यूनियन का ये डिमांड दरअसल तलबा का एक बहुत ही सुलगता हुआ डिमांड है, तलबा के लिए प्लेटफॉर्म है। 2006 से तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एमयू के एक्स प्रेसिडेंट जो यहाँ पर आकर श्री जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ सेलिब्रिटी निभा रहे हैं। फिलहाल फिर से इमरान हैदर यहाँ पर आ गया धरना स्थल पर जो पिछले 9 दिनों से अभी हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। बहरहाल आप देख सकते हैं 2 बार हॉस्पिटलाइज होने के बाद फिर से तीसरी बार यहाँ पर हंगर स्ट्राइक के लिए बैठे। बहरहाल ये ऐतिहासिक मूवमेंट होगा जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए, जो कि पिछले 12 साल से इस मूवमेंट को दबा कर रखा गया था, लेकिन वो क्या होता कहा जाता है जो शख्स की आवाज कोई दबा नहीं सकता है, एक दिन आवाज वो निकल ही जाती है। तो बार आप देख सकते हैं इस वीडियो में एक्स प्रेसिडेंट एमयू के यहाँ पर मुखातिब होते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के स्टूडेंटों के साथ। रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट यूनियन के जरिए से बड़े बड़े सेंट्रल सिटी में होता है, कहीं भी एकेडमिक माहौल खराब नहीं होता। आपको मालूम है एमयू स्टूडेंट पार्टी का हब है, अभी उसको जो एक्रेडिटेशन का रैंकिंग मिला है A++ मिला है, वहाँ पे एमयू में स्टूडेंट यूनियन स्टूडेंट पार्टी ग्रुप में डलवा दो स्ट्रांगली बोली रही है। लेकिन आप देखें कि ये जो तर्क है एडमिनिस्ट्रेशन का वो तर्क किसी भी तरह से हम उसको तर्क संगत नहीं कह सकते हैं। हिंदुस्तान में जब तक हम तलबा को एक प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, एक कंस्ट्रक्टिव सोशल मूवमेंट के हम उनको अगर प्लेटफॉर्म नहीं देंगे, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल मूवमेंट के अगर हम स्पेस नहीं देंगे, उनके जो सवाल है जो जाय सवाल है अगर हम कैंपसेस में उसकी तरबियत नहीं करेंगे इस तरह की, तो फिर हम देखते हैं कि मिल्लत की नुमाइंदगी भी हम नहीं कर सकते। मिल्लत के अंदर मिल्लत के साथ साथ मुल्क भी हम नुमाइंदगी नहीं कर सकते, क्योंकि ये पढ़ने वाले स्टूडेंट पढ़ने वाला जो तबका है अगर वो इस ये तबका खामोश हो जाता है, ये तबका सिर्फ क्लासरूम तक रहता है, ये तबका सिर्फ जो है 9 से लेके 5 तक सिर्फ जो वो कॉर्पोरेट्स का जो वो गुलाम बन जाता है, तो फिर हम देखते हैं कि इस मुल्क के अंदर भी तरक्की नहीं हो सकती। मुल्क के मेनस्ट्रीम में ये तबका ये कम्युनिटी कभी भी मेनस्ट्रीम में नहीं आ सकती है। दोस्तों ये बहुत बेसिक डिमांड है, ये बहुत बुनियादी डिमांड है और हमें इस डिमांड को लेकर ये सिर्फ जामिया के चंद तलबा का नहीं है बल्कि ये पूरे हिंदुस्तान के तलबा की आवाज़ है और पूरे हिंदुस्तान का तलबा आज इस पूरे मूवमेंट के साथ खड़ा है, पूरे मूवमेंट की सॉलिडिटी के साथ वो हमेशा लगा हुआ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपके 9 दिन का मूवमेंट 10 दिन से मूवमेंट चल रहा है, ये दरअसल कई सालों से चल रहा है और इस मूवमेंट पे जो सॉलिडरिटी है वो पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग यूनिवर्सिटी से आ रही है, साउथ से लेकर नॉर्थ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक तमाम स्टूडेंट अपने आप को जोड़ रहे हैं। जहाँ पे भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स बैन है पूरे महाराष्ट्र में बैन करके रखे हैं
फिर आप देख सकते हैं किस तरह से इस वीडियो में फिर से आप देख सकते हैं दो हीरो इस मोमेंट का दो हीरो फिर से वापस आते हुए प्रदर्शन स्थल पर। या आप देख सकते हैं किस तरह से दो हीरो फिर से इस मोमेंट को ज्वाइन करते हुए जामिया मिल्लिया इस्लामी एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात को मानना ही पड़ेगा, उसे यूनियन देना ही पड़ेगा। आप देख सकते हैं किस तरह से दो हीरो इस मोमेंट का दो हीरो वापस आते हुए फिर से इस रवैये की वजह से आज ये कोर्ट में मामला चल रहा है। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन कोर्ट के इस मामले को भी लेकर लगातार जो है पॉलिटिक्स कर रही है। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन अगर तैयार होगी तो कोर्ट का ये मामला जो सब्जुडिस के नाम से मीडिया के सामने ब्रीफ किया जा रहा है, ये कोई मामला नहीं है। ये मामला फौरी खत्म हो सकता है अगर एडमिनिस्ट्रेशन ईमानदारी से चाहे। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत शेमली है, ये कह रही है बार बार ये सब्जुडिस है, लेकिन अगर वो तैयार होती है वो कोर्ट में एफिडेविट देती है कि मामला वही खत्म होकर इलेक्शन होता है। और यहाँ के 17,000 स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेशन जो कि अब तक नहीं हो पा रहा है वो बहुत ही पीसफुल तरीके से होगा और यहाँ की जो बहुत बेसिक डिमांड्स है वो डिमांड्स पूरे होंगे। दोस्तों ये बहुत ही अजीब बात है कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट में है, स्टूडेंट भूख हड़ताल में है और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सोए हुए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी सीरियस मामला नहीं कर रहे, प्रेस में सिर्फ ब्रीफिंग दे रहे और प्रेस में जो ब्रीफिंग है वो भी डिफॉर्मिट करने वाला है। वो स्टूडेंट को मेन जो मुद्दा है उसको हटाने वाले हैं, स्टूडेंट का जो मेन मुद्दा है उससे दूर करना चाहते हैं, वो उसको डिपोलिटिसाइजेशन करने के थोड़ी पॉलिसी जो है तैयार किए हुए हैं। साथियों हमारा डिमांड बहुत बेसिक डिमांड है कि जिस तरह से जेएम लिंगदो साहब इस तरह से और दूसरे के एडमिशन हमेशा कहते रहे कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स स्टूडेंट का एक बहुत बेसिक डिमांड है, उसका एक डेमोक्रेटिक राइट है और वो डेमोक्रेटिक स्पेस में इसकी हमें कोशिश करनी है। एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है, यूनिवर्सिटी काम है कि वो इस माहौल को प्रोवाइड करें, स्टूडेंट कम्युनिटी पर भरोसा करें, तभी हम एक अच्छे समाज को बना सकते हैं, तभी इस कम्युनिटी को भी डेवलप कर सकते हैं, तभी ये मुल्क भी डेवलप हो सकता है। मौजूदा पॉलिटिक्स जो है, मौजूदा जो सियासत है उसमें क्रिमिनल कास्टिस्ट करप्ट लोग जो कृषि के नाम से हम कहते हैं ऐसे लोग का बोलबाला, क्यों अच्छे लोग नहीं आते? इसलिए नहीं आते क्योंकि हम कैंपस में ऐसे लोगों को, ऐसे स्टूडेंट को स्कूल प्रोवाइड नहीं करते, ऐसे लोग को मोटिवेट नहीं कर सकते। डेमोक्रेटिक मूवमेंट के लिए रास्ता जो है हमारा, इस वजह से आज हालत है कि हिंदुस्तान के जो करप्ट लोग हैं वो सियासत में आते हैं। सेम क्वेश्चन का जो सवाल है वो कभी भी सवाल पार्लियामेंट में नहीं बन पाता। हिंदुस्तान में जो एजुकेशन मिनिस्टर है बेसिकली वो पिछड़े राज्यों से, लेकिन आज हम देखें कि हिंदुस्तान का जो एक बहुत बड़ा तबका है वो तालीम से पीछे, तालीमी पसमानदगी का वो शिकार है। ये वीडियो में सामाजिक पसमानदगी जो मैं आ रहा हूँ क्योंकि वो इशू कभी भी हमारे पार्लियामेंट का मार्ग नहीं बना, वो इशू कभी भी हमारे डिस्कशन का हिस्सा नहीं बना, वो इशू कभी भी हमारे मूवमेंट का पार्ट नहीं बना। तो तलबा का ये डिमांड एक इसका डेमोक्रेटिक डिमांड है और हमें इस लड़ाई को हम लोग इसलिए आए हैं, क्या दिखाना चाहते हैं क्यों ये एक छोटा मूवमेंट नहीं है बल्कि ये पूरा एक नेशनल लेवल का मूवमेंट है। इसमें तमाम स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट है पूरे हिंदुस्तान कैंपसेस के उन तमाम का सोलिडरिटी है, तमाम यूनिवर्सिटीज जहाँ जा रहा है उनको सोलिडरिटी, तमाम लोगों की सोलिडरिटी और इस सोलिडरिटी को सामने रखते हुए हमें खतरा होगा इसको। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में हमारे जो इस मोमेंट के दो हीरो फिर से वापस